झारखंड के चार लोकसभा सीटों पर 25 मई को यानी कि कल मतदान होने हैं, जिसको लेकर के ईवीएम की जो है वो सभी जगहों पर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रांची के मोरहाबादी की तस्वीरें हैं जहां पर लोग ईवीएम को लेकर के सीधे उसके जगह पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि 25 मई को मतदान होने हैं और चारों सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें कि इस बार 81,90,000 मतदाता जो है वो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें से 2,44,000 पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान करेंगे। बता दें कि रांची की अगर हम बात करते हैं तो रांची में 21.88 लाख मतदाता इस बार अपने सांसद को चुनेंगे। और इस बार की अगर पूरी तैयारियों की बात करें तो पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। ईवीएम सभी लोग लेकर के जाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के चार सीटों पर इस बार मतदान होने हैं। रांची लोकसभा सीट की बात करें तो रांची लोकसभा सीट पर मतदान होंगे, धनबाद में मतदान होने हैं, साथ ही साथ जमशेदपुर में। और पूरी तस्वीर यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। हम लोग लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर लोग कहां से आए हैं और किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ईवीएम लेकर के किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग तो ठाकुर गाँव साइड आ रहे हैं। ठाकुर गाँव साइड, कैसी तैयारी है? पूरी पूरा तैयारी है। ईवीएम चेक हो चुका है पूरी तरीके से, पहले से ही चेक है, सब चेक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और हमारे साथ महिला भी है। आप कहाँ जा रही हैं ईवीएम लेकर? हरमू जा रही है। देखिए तो लोग अलग अलग जगह है, आप कहाँ जा रहे हैं? हम हरमू जा रहे हैं। तैयारी पूरी है? हाँ जी, हाँ पूरा तैयारी है। देखिए लोग, और भी लोग आ रहे हैं, कोशिश करेंगे और भी लोग से बात करने की। कहाँ जा रहे हैं अभी इस वक्त ईवीएम? बस चढ़ने जा रहे हैं। कहाँ जाना है? हम लोग खिजरी। खिजरी जा रहे हैं? हाँ हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? खिजरी विधानसभा जा रहे हैं। हाँ, पूरी तैयारी कैसी ले? तैयारी तो ठीक ठाक है, बहुत व्यवस्था है, दिक्कत नहीं है सर, सामान वामान लेने में। हाँ। सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। तो देखिए काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? खिजरी जा रहे हैं जी। तो देखिए लोगों को बसों के जरिए यहाँ से भेजा जाएगा और बसों के जरिए ही यहाँ से सीधे लेकर के जा रहे हैं। बता दें कि चार लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं, गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होंगे। और इस बार जो जनता है वो सभी के किस्मत जो है वो इस बार तय करेगी कि आखिर इन चारों सीटों पर सांसद आखिर जनता के साथ किसे चुनती है। और यहाँ पर कई और भी लोग आ रहे हैं। सर कहाँ जा, किस तरफ आप लोगों को इस बार रखा गया? मैडम हम लोग का 64 हटिया पड़ा है। हाँ। तो सेक्टर नंबर वही हम लोग का पड़ गया है 384-87। अब जाएंगे वहाँ पर मैकन कॉलिन तरफ। अभी हम लोग खुद ढूंढ रहे हैं अपना ये पैलेस्टीन पार्टी, सब ढूंढ रहे हैं। गाड़ी इतना ज्यादा लगा हुआ ढूंढ के एकदम परेशान है। हाँ। फिर भी ठीक है, ओके चलते रहे। मजबूत है, एकदम मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एकदम। और भी लोग हैं जा रहे हैं और कोशिश करेंगे जरूर इनसे भी बातचीत करने की। किधर किस तरफ ड्यूटी लगी है इस बार? हटिया विधानसभा। हटिया विधानसभा, कैसी तैयारियां हैं? एकदम बढ़िया है सब, अभी तक तो देखिए तब तैयारियां बहुत अच्छी है और लोग लगातार आ रहे हैं। यहाँ की तस्वीर देख सकते हैं, किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम कटमकोली जा रहे हैं। आप किस तरफ जा रहे हैं? खिजरी लोहाडी। और सभी जगहों की तैयारी पूरी है और लोग यहां पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, जल्द से जल्द ईवीएम जो है वो अपनी जगह पर पहुंच जाए ताकि कल कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि कल मतदान होने हैं और मतदान केंद्र के लिए सभी लोगों को प्रस्थान करने के लिए भी कई बातें कही जा रही है। काफ़ी संख्या में बसें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, तो लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की। देखिए इसी जगह पर अगर हम बात करेंगे, अलग अलग जगहों का यहाँ पर बताया जा रहा है कि रांची, सिल्ली, हटिया, काके और खिजरी के लिए जो यहाँ पर ईवीएम यहाँ से जाने हैं और उसके लिए लोगों को यहाँ पर आना है। अलग अलग ये पूरा हॉकी स्टेडियम है, वहाँ पर सभी जगह चारों जो लोकसभा सीट है वहाँ की जो ईवीएम है उसके लिए तैयारी पूरी की गई है और बसों से लोगों को रवाना किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज़ रांची।